ये फार्मूला मैंने लिखा है ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो मुझे ये चाहिए था, तो ये खुद किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी सम ऑफ रूट का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट। समझ आ गई? तो क्या इसी जगह में यही चीज यूज कर सकता हूँ? इसी जगह फिर से देखो, इसकी जगह में ये दोनों यूज कर सकता हूँ। मैं यूज करने जा रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इक्वल टू 30। ये कंडीशन नहीं बनती है। अब ये कंडीशन क्या मांग रही है, क्या मांग रही है ये कंडीशन? ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, और ये निकालना बहुत ईजी है, तो हम इसको इक्वेशन टू कहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से एक सम ऑफ रूट निकालें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, बी क्या है माइनस फाइव के, एक माइनस पहले से एक माइनस फाइव के, ये हो जाए माइनस फाइव के पहले से और माइनस पहले फॉर्मूले वाला है, तो एक क्या है वन, कुछ भी नहीं ना वन, तो ये सम ऑफ रूट निकल के आ गया जी माइनस माइनस प्लस फाइव के। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की, बात स्क्वायर की, किसका स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर सम ऑफ रूट ना ना, ये तो कंडीशन है, इसको लेके बैठना है, हमने ये सम ऑफ रूट निकाला है जो सादा करके निकाल रहे हैं, ये तो कंडीशन है, कंडीशन को पहले हमने सेट किया, कंडीशन को अपनी तरफ किया, पहले हमारी तरफ हमसे नाराज थी कंडीशन, अभी हमने कंडीशन को अपनी तरफ किया है, पहले कंडीशन इसलिए क्योंकि ये नहीं का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो कुछ नहीं है ना, हमने पढ़ा भी, तो कंडीशन को अपने अपनी कंडीशन के मुताबिक अरेंज किया, फिर हमने सम ऑफ रूट निकाला, पहले हम कंडीशन लिख के ना डायरेक्ट नीचे कर, अब कंडीशन को अपनी तरफ किए फिर हमने सम ऑफ रूट निकाला, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, आप इधर हेडिंग दे सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की, अगर ज्यादा मसाला डाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा आज नहीं लड़कियां डालती है ना इस तरह मसाला सी भाई फिर नो फाइंडिंग प्रोडक्ट ऑफ इंग्लिश इंग्लिश को सी भाई ए तो अल्फा बीटा असल चीज है ना, यहाँ में इस तरह मसाले डालूंगा टाइम लगेगा, असल चीज है कंसेप्ट आने सी क्या है सिक्स के स्क्वायर, देखो ये कांस्टेंट है सारा, यहाँ एक्स नहीं है के, सिक्स के स्क्वायर पूरा कांस्टेंट है, तो ये होगा सिक्स के स्क्वायर, नीचे ए क्या है वन, तो अल्फा बीटा आ गया जी सिक्स के स्क्वायर, तो ये अल्फा बीटा आ गया, अब हमें सम ऑफ रूट भी मिल गया और प्रोडक्ट का रूट भी मिल गया, अब इन दोनों का यूज कहाँ पे करेंगे, कंडीशन नंबर टू यानी कि आपने जो कंडीशन बनाई उसमें अल्फा प्लस बीटा की जगह फाइव के लिख सकते, फाइव के का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, टू अल्फा बीटा क्या चीज है सिक्स के स्क्वायर, सिक्स के स्क्वायर और इक्वल टू 13, 5k, 5k का होल स्क्वायर क्या होगा 25k स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर 25 होगा, देखिए माइनस 2 इनटू 36k स्क्वायर, नहीं हाँ 36k नहीं क्या यहाँ 2 अल्फा बीटा है 6k स्क्वायर, 6 होल स्क्वायर नहीं अरे 6k स्क्वायर है ना, ये नहीं तो क्या होगा माइनस टू सिक्स ट्वेल्व के स्क्वायर इक्वल टू 13, 25 माइनस 12 5 से 2 गया 3, 2 से गया 1, 13 के स्क्वायर इक्वल टू 13, 13 को क्या करेंगे डिवाइड, तो ये कट जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू 1, 13 का कट तो अंडर रूट और स्क्वायर रूट, तो के इक्वल टू प्लस माइनस वन, यही हमारा अननोन कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अच्छा देखें लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, तो हम यहाँ से पूछ रहे हैं कि के फाइंड करो, व्हाट इज के अननोन कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसके रूट्स क्या होते हैं, इसके जो रूट्स हैं जो सम ऑफ रूट है x1 रूट्स मतलब सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो रूट्स एक अल्फा होता है एक बीटा होता है,
अल्फा अलग रूट होता है, बीटा अलग रूट होता है। क्या बात करें सर, मैंने इसी को तो अल्फा बोला था, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए, यही अल्फा था। बीटा कौन था, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। अल्फा ये बीटा अलग, अल्फा अलग रूट होता है। जैसे मान ले अल्फा टू बाई थ्री, बीटा वन, बीटा क्या है, अल्फा और बीटा ये नंबर हो सकते हैं ना, रूट का मतलब कोई नंबर हो सकते हैं भाई। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते तो दो आंसर निकलते, दो निकलते ना, तो यहाँ पे जो है दो निकल गए, दो निकले। तो मैं कहता हूँ ये दो अल्फा बीटा का जो डिफरेंस है, मैं कहता हूँ वन है। डिफर बाय यूनिटी क्या मतलब है, अल्फा और बीटा में कितना फर्क है, एक नंबर का। डिफर बाय यूनिटी का मतलब क्या है, वन, यूनिटी वन बोलते हैं। यूनिटी किसको बोलते हैं, मैंने ये ऐसे ही ले लिया अल्फा ये बीटा ये कर दिया, ये अपने को समझ आ गया अल्फा ये बीटा। अब मैं अल्फा एक ऐसा नंबर लेता हूँ और बीटा एक अलग नंबर लेता हूँ, तो इनमें इनका जो डिफरेंस है वो वन है। जैसे मैं अल्फा लेता हूँ टू, बीटा लेता हूँ थ्री, तो इनमें डिफरेंस कितना होगा, वन का होगा ना। अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, थ्री माइनस टू यानी वन, दोनों में एक का फर्क है। या ये भी कह सकते हो, एक ये भी स्टाइल है, अल्फा अल्फा टू है, बीटा क्या है, टू प्लस वन है। बीटा जो है अल्फा से एक ज्यादा है, यानी कि प्लस वन कर सकते हैं। नहीं समझ आया, डिफर मेजोरिटी ये फर्क हो गया ना, एक ज्यादा है मतलब यूनिटी है। अब जरा मैं इसको अल्फा और बीटा की शक्ल दे दूँ, अल्फा और बीटा की शक्ल दे दूँ इस फिगर में, अगर इस ये फीलिंग समझ आएगी ना, अब दूसरी फीलिंग ला दें, वो फीलिंग क्या होगी। अब मैं कहता हूँ अल्फा अल्फा एक रूट अल्फा है, अल्फा अल्फा ही है, बीटा अल्फा अल्फा ही है, और बीटा मैं कहता हूँ अल्फा प्लस वन लिख सकता हूँ। मैंने बोला अल्फा टू है, बीटा टू प्लस वन है, अल्फा अल्फा है, बीटा अल्फा प्लस वन है, लिख सकते हैं। अगर यूनिटी का यही मतलब हो गया, ये नंबर थे तो तब आपको समझ आ गए, ये नंबर नहीं है, ये जनरल है। जनरल मतलब किसी के लिए, ये सिर्फ इन्हीं के लिए, ये आप किसी और के लिए ले लें। 50 और 51 नहीं लिख सकते, 60 और 61 नहीं लिख सकते, 25 और 26 नहीं लिख सकते। मैं कहता हूँ अल्फा 25 है, बीटा 25 प्लस वन है, 26 है, यानी समझ आएंगे। ये जनरल है, किसी के लिए लगाओ, ये फिट है, ये फिक्स था, ये फिट है हर के लिए। एक को कम रखो एक से ज्यादा, एक 35-36 है, अल्फा 35 है, बीटा 35 प्लस वन 36 है, नहीं समझ आएगी। तो ये जनरल है, तो हम जनरल को लेंगे, जनरल साथ को लेंगे, नहीं समझ आएगी। जनरल को लिए अब यूनिटी का मतलब यही है, अगर कहता है थ्री का फर्क है तो एक अल्फा डिफर बाई थ्री भी बोलेगा, कल की मीटिंग में हम बार बार करेंगे। थ्री बोला तो हम जनरल, थ्री के लिए जनरल कैसे बनाएंगे, थ्री के लिए जनरल अल्फा बोलेंगे, बीटा के लिए अल्फा प्लस थ्री बोलेंगे। ये चीज कल के लिए समझानी है, ये चीज कल के लिए, ये कल के लिए जी, सही है जी। तो इस चीज को रखते हैं, बाकी को मैं रख करते हैं। बाहर कौन आएगा चेक करो, करना बच्चे बाहर के लिए, बच्चों को अंदर बुलाओ, इसको रखते हैं। कंडीशन हो गई है, रूट क्या है, डिफर बाय यूनिटी है, तो लेट अल्फा इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस वन, ये नेगेटिव बोले तो वन, हाँ उन्होंने यूनिटी बोले तो वन भी दे, अगर थ्री बोले तो। अब मैं कहता हूँ सम ऑफ रूट निकालना चाहता हूँ, इनका क्या निकालना चाहता हूँ, सम ऑफ रूट, उस क्लास में दिखाओ सम ऑफ रूट निकालना चाहता हूँ। एक रूट ये एक ये ना, तो मैं इस अल्फा बीटा की जगह ये यूज करूँगा, ये सर्कल की, समझ आई। तो सम ऑफ रूट मेरा होगा अल्फा प्लस वन इक्वल टू माइनस बी वन, नहीं समझ आई, समझ आ गई कहानी। ये सारी चाबी मैंने इसलिए किए था कि आप ये डायरेक्ट में इस तरह लिखता तो बोलती हूँ कैसे हो, ठीक है, तो इसलिए पहले वो कहानी। तो पहले आपकी जो ख्वाहिश है उसको मैं समझ सकता हूँ।
उत्तर लीजिए। अल्फा ये समावृत हो गए, क्या हो गए? समावृत, समावृत। तो देखें अल्फा अब खोल देते हैं, देखें अल्फा प्लस वन डी क्या है? माइनस फाइव, माइनस फाइव ए क्या वन, अल्फा अल्फा टू अल्फा, टू अल्फा प्लस वन इक्वल टू प्लस फाइव, कौन है कौन है? बैठा बोले बैठे। तो ये होगा जी 2 अल्फा इक्वल टू 5 माइनस 1, 2 अल्फा इक्वल टू 4। अल्फा निकालो ना, अल्फा इक्वल टू जी प्लस 1 हो गया क्या? ये 2 प्लस ये क्या है? सर ले बात मैं आ रहा हूं भाई, पता नहीं कौन सही है। 2 2 4 और अल्फा क्या आ गया? 2। अब प्रोडक्ट का रूट निकालो, क्या होगा? अल्फा बीटा नहीं होता, अल्फा इनटू अल्फा प्लस प्रोडक्ट का रूट क्या होगा? अल्फा अल्फा इनटू अल्फा प्लस 1 इक्वल टू सी बाय ए। नहीं समझे? यस सर समझ गए। अल्फा 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 स्क्वायर प्लस अल्फा सी क्या है? के ए क्या है? 1। अल्फा का तो निकाला था, अल्फा 2 2 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू के, 4 प्लस 2 इक्वल टू के, 6 के इक्वल टू 6। यही था हमारा, कि उम्मीद करता हूँ समझ आ गया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह।